परेशानी भैया बहुत ज़्यादा होती है। अब जो हैं खुद अपने आप कमाए के यहाँ गुजर बसर करती हैं, अब लड़की है लड़का है ना ही से कोई जो इन्हें कोई सहारा दे। घर वाले बहुत बीमार रहा, उनकी इलाज कराने कि इनकी गरीबी नहीं कराने दे रही युवक का इलाज, आयुष्मान योजना भी सुनहरा सपना साबित हुई। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से है, जहां गरीबी के हाथों बेबस माँ बाप अपने 16 साल के बेटे का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधाएं नहीं होती और प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने की हैसियत नहीं है। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गाँव सिमरिया सहसपुर का है, जहां एक गरीब माँ बाप पैसे की तंगी के चलते अपने 16 साल के मानसिक बीमार बेटे को मजबूरन जंजीरों में बांधकर रखने पर मजबूर हैं। गरीब मजबूर माँ बाप से जब तक बन सका तब तक बेटे का इलाज कराते रहे। गांव के रामकिशोर के परिवार की माली हालत काफ़ी ख़राब है। पूरा परिवार मेहनत मजदूरी कर किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। परिवार ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी कर अनमोल का इलाज दूसरी जगहों तक कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार से भी कोई मदद ना मिल पाने से मजबूरन परिवार को अनमोल का इलाज रोकना पड़ गया और उसे घर पर कैद करना पड़ गया। परेशानी भैया बहुत ज़्यादा होती है। अब जो हैं खुद अपने आप कमाए के यहाँ गुजर बसर करती हैं, अब लड़की है लड़का है ना ही से कोई जो इन्हें कोई सहारा दे। घर वाले बहुत बीमार रहा, उनकी इलाज करामे कि इनकी इलाज करामे, भई नहीं उनकी इलाज नहीं हो पाया तो इनकी कहाँ से करामे। हम रहते हैं, वो बच्चे को देखते हैं, भूख प्यास नहीं लगती और उनसे फायदा मांगते हैं। हमारे बच्चे की इलाज हो जाए किसी तरीका, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। हमारा पति काम नहीं कर पाते हैं और बीमार रहते हैं, कोई वक्त खाना बंद कोई वक्त ना ही बंद, अब कोई काम करने वालों है ही नहीं। अरे हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमें सरकार से सहायता मांगते हैं, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। कोई सहायता नहीं की मेरे बच्चे के साथ में, यही बड़ा मेरा लड़का है तो ठीक नहीं रहता है, बहुत से परेशान है। जी क्या समस्या है, किस तरीके से आपके बेटे को जंजीर बांध कर रखा जा रहा है, कुछ बता सकते हैं?